जब कभी भी आप कोई अडल्ट डॉग लेने को जाओगे तो आपको ये बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। आप सब तो पूछ लेते हो फोन पे, बट कुछ बातें हैं आप वो भूल जाते हो। तो उसमें क्या होता है, आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप पूछते ही नहीं, आप जजमेंट लगा लेते हो कि वहाँ फोटो वीडियो में दिखाया गया है तो अच्छा होगा। तो वो बात है डॉग की हाइट और डॉग की लेंथ। कुछ डॉग जो स्टैंडर्ड हाइट होती है उससे बहुत ऊपर हो जाते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं, और कुछ कुछ डॉग जो होते हैं बहुत छोटे रहते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या रहता है, तो जो डॉग बहुत बड़े होते हाइट के लिए वो मीटिंग में प्रॉब्लम देते हैं। अगर आप बड़ा हाइट में बड़ा मेल लोगे और आपके एरिया में जो फीमेल स्टैंडर्ड साइज़ की होगी तो मेल को मेट करने में दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे कहीं पे समझो ऊंची जगह है, फीमेल को वहाँ खड़ा करना है, फिर मेल को उससे नीचे खड़ा करना है, उस टाइप की आपको मीटिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप छोटा डॉग लेके आते हो और आपके पास फीमेल बड़ी है तो आप कुछ भी करके मीटिंग करोगे, बाद में डॉग लटका लटका की लटका रहेगा फीमेल से। वो भी हो सकते हैं, उस वजह से भी लोग जो होते हैं अडल्ट डॉग बेचते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आप डॉग लेने वाले हो उनकी हाइट और लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और वही क्वालिटी का प्रोडक्शन आप निकालने के लिए उस हिसाब से ही अच्छी वाली फीमेल से आपको मेट करवाने हैं वो डॉग। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोगे तो किसी आदमी को उसके मेल के फीमेल के साथ खड़ा रखवाना है आपको, और बाद में फोटो वीडियो वहाँ से मंगाने की, जो आपको लेंथ और हाइट है वो आपको पता चल जाएगी, जो एक्चुअल हाइट होती है उस ब्रीड की, ये उस हाइट को टच करता है या फिर उससे अपर जाता है या फिर उसके नीचे रहता है। अगर वो जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से अगर वो डॉग है तो आप बिंदास वो डॉग ले सकते हो, आपके लिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप वो डॉग अच्छा होगा, आप वो ले सकते हो। बट अगर आप लेने से पहले वो सब सौदा करोगे और जब लेने जाओगे तो देखो अरे डॉग तो बहुत बड़ा है, यह उतने इतनी हाइट वाली फीमेल ही नहीं है, अरे आप जब लेने जाओगे पता चल जाए कि डॉग बहुत छोटा है, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी फीमेल बड़ी होगी पर जब वो डॉग छोटा निकलेगा आप मेटिंग कैसे करोगे। इसलिए ध्यान रखिए, डॉग लेने को जब जाओगे उससे ही पहले आपको कुछ चीज़ें होती है वो आपको उनसे कंफर्म करनी है, उनके फ़ोटो वीडियो वैसे के वैसे ही आपको मंगाने हैं, तभी आप अच्छा डॉग ले पाओगे, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो सतर्क रहिए डॉग लेने से पहले।